घर में आप पूरे दिन बैठ करके न्यूज चैनल देखते रहे, बैठे हुए हैं और नेगेटिव से नेगेटिव खबरें देख रहे हैं, पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और नेगेटिव से नेगेटिव खबरें पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 जब इतना सब नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं तो क्या होता है एंड में, ऑटोमेटिकली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भैया इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, बेड़ा गर्क, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार है, सब चोर है, सब बकवास है। इन सब बातों से क्या हुआ, आपके अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, गुस्सा बढ़ा। वो गुस्सा कहां निकला, कहीं तो निकलेगा ना, यही आपका कर्म है, यही आपका कर्म है। वो गुस्सा आपने अपनी वाइफ के ऊपर जाकर के निकाल दिया। अब क्या हुआ, कहानी यहां तक खत्म होती है क्या? हम सब जुड़े हुए हैं, एक बॉडी है, अलग अलग बॉडीज नहीं है। ये मत समझो एक उंगली एक बॉडी से अलग है, वो उंगली उस बॉडी का ही हिस्सा है। जो बॉडी में होगा उसका असर उंगली पे होगा, और जो उंगली करेगी उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होगा। जो एक आदमी करेगा उसका असर पूरी दुनिया पे होगा, और जो पूरी की पूरी दुनिया कर रही होगी जैसी उनकी सोच होगी उसका असर उस एक आदमी पे होगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अलग अलग करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो क्या हुआ, वो जो वाइफ है जिसके ऊपर आपने गुस्सा किया, उसने क्या किया, घर से बाहर गई गुस्से में और जा करके तेज गाड़ी चला रही है। गुस्सा आएगा, कहीं तो निकलेगा। और रोड के साइड में एक बेचारा छोटा सा बच्चा, मासूम था, अपने स्कूल से घर आ रहा था बैग टांग करके स्कूल ड्रेस में, रोड के साइड में चल रहा था, रोड के ऊपर भी नहीं, और वो गाड़ी जा करके सीधा उस बच्चे से टकरा गई। क्या कर्म है इस बच्चे का बताओ? तो जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि हम लोग अलग अलग नहीं है, जब तक ये सोचते रहोगे तब तक ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा। जिस दिन आपको अंदर से ये रियलाइजेशन आ गया, मतलब कि माना नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को अपने अंदर जा करके जान लिया कि हम सब एक ही हैं, तो आपको किसी से प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार हो जाएगा। हम सब एक ही बॉडी है, आप और मैं अलग नहीं है। ये मान लो कि उस एक के, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, उस एक के ही करोड़ों अरबों हाथ हैं, जिसके थ्रू काम हो रहा है, और वो हाथ पैर आप हो और मैं हूं। ये एक हाथ ने भी कुछ गलत किया तो उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है, एक हाथ ने कुछ अच्छा किया उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है।